दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, या वो पाताल में भी छुप जाए लेकिन पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। ये एक बार फिर साबित हुआ विगत दिवस डोला पहाड़ी मेला के पास एक अज्ञात पुरुष का शव प्राप्त हुआ, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। विवेचना अधिकारी और थाना प्रभारी को गंभीरता से जांच करने के लिए निर्देशित किया। जांच के दौरान हत्या का मामला लगा। मृतक का नाम राजू कीर पिता शंकर लाल कीर निवासी ग्राम मगरमुहा थाना चीचली, जो घर से कुछ दिन पहले से गुम इंसान का मामला भी दर्ज था। चार तारीख को डोला बाबा पहाड़ी पे एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसको कि मुंह हाथ पांव गले में इसको बांध के फेंका गया था। और बाड़ी का अनुमान था कि लगे आठ दस दिन पुरानी लाश है। तत्काल SDP काटावाड़ा यादव साहब और अरविंद चौबे TI काटावाड़ा वहाँ अपने स्टाफ के साथ पहुँचे। क्राइम ब्रांच के टाइम टीम को भिजवाया गया। सबने मिलके लगातार मेहनत करके 48 घंटे के अंदर इस अंधिया हत्याकांड का खुलासा किया है। इसमें जो कहानी बातें पता चली कि ये बेसिकली जो आरोपी हैं, इनके परिवार में अवैध संबंधों की कहानी चलते ये हत्या की गई थी। इसमें आरोपी संदीप और हेमराज इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी पूरे स्टाफ को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। तो ये तीनों आपस में क्या संबंध थे? तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, मगर जो मृतक है ये आरोपी जो है इनमें से किसी परिवार में जाकर अवैध संबंध बनाया हुआ था, जिस पर से हत्या घटित हुई है। हत्या कैसी हुई सर? हत्या में पहले क्योंकि दोस्त थे तो ये डोला बाबा पहाड़ी पे पहुँचे। इन्होंने वहाँ शराब पी और शराब पीने के बाद इन दोनों ने ये कृत्य किया।